हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ट्रेडर्स, आज का दिन जो है वो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन मोड में गया है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 आज ये पहली कैंडल बनी निफ्टी 50 की, है ना। एंड उसके बाद निफ्टी 50 पूरा रेंज में, देख सकते हो पूरा रेंज में था। और आज मैं आपको पोजीशन दिखा दूं तो पोजीशन 12 रुपए 50 पैसे, मतलब कि यही जो है ब्रोकरेज कटा है। आज मैंने दो ट्रेड लिए थे, ये देख सकते हो। पहला ट्रेड 3 रुपए पे लिया, 75 पे बेच, 3 रुपए 75 पे बाय किया, फिर 5 रुपए पे बेच दिया। फिर दूसरा ट्रेड 4 रुपए 40 पैसे पे लिया, 2 रुपए 80 पैसे 85 पैसे पे बेच दिया। एंड पूरा दिन जो है रेंज में था, इसलिए आपको पता है ना, मैं हमेशा छोटे छोटे लॉसेस लेना प्रेफर करता हूँ कि जितना छोटा हो सके उतना लॉसेस लूँ, छोटा लॉस लूँ। भले ही मेरे को 10 के 10 ट्रेड में मेरे को लॉसेस हो, बट जितना छोटा हो ना उतना मेरे लिए सही है। बिकॉज क्या है ना कि लॉसेस तो होंगे, देखो लॉसेस तो होंगे, लेकिन जब प्रॉफिट भी होंगे, लॉसेस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन आपको अपने लॉसेस को इतने छोटे कर देना, इतना छोटा कर देना है, जब प्रॉफिट हो तो आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं वो शायद वो हो सके तो एक ही ट्रेड में कवर हो जाए। या फिर अगर आपके ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं, छोटे छोटे लॉसेस अगर आपके 5 6 हो चुके हैं, तो एक ट्रेड में ही वो कवर हो जाए। अगर आप सोच के देखो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 1:6 ले रहे हो, तो अगर आपके छोटे छोटे ट्रेड 5 ट्रेड भी लॉस हो जाए ना, लगातार 5 के 5 ट्रेड भी ट्रेडर्स लॉस हो जाए ना आपके, और आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 अचीव कर रहे हो, तो आपके एक ही ट्रेड में जो है आपका पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो ट्रेडर्स, ये बात आपको समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पैसा रिस्क मैनेजमेंट से बनता है, पैसा साइकोलॉजी से बनता है। स्ट्रेटजी आप कोई सी भी यूज कर लो, स्ट्रेटजी आप कैसी भी यूज कर लो, बट वो स्ट्रेटजी इतनी होनी चाहिए कि आपको जो है कम से कम, नहीं तो 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें रखना है, एंड 60 से 70% वो स्ट्रेटजी आपकी काम करनी चाहिए। अगर इस चीज को आप मेंटेन कर, तो स्ट्रेटजी के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, स्ट्रेटजी के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना भागना है कि वो स्ट्रेटजी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होनी चाहिए। एंड सेकेंड ये है कि कम से कम नहीं तो 50% या 60% वाली एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। अगर आपकी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बड़ा है, तो आपकी अगर स्ट्रेटजी 1:2 क्या बोलते हैं, अगर आपकी स्ट्रेटजी जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगर 60% भी आपकी स्ट्रेटजी, या फिर 50% भी है, या फिर कहीं आप मानोगे नहीं, अगर आपकी 40% भी स्ट्रेटजी का रिस्क क्या बोलते हैं एक्यूरेसी है, और आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट जो है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत ही बड़ा है, तो आप जो है प्रॉफिटेबल हो पाओगे एंड होगे। तो सेम अगर मैं आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा दूँ, तो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी भी वैसा ही बिहेव किया। बस शुरू के कुछ कुछ समय जो है वो क्या बोलते हैं अच्छे से था। एक सेकेंड, मैं क्रिप्टो फ्यूचर इंडाइसिस, शुरू के 1 घंटा जो है वो 1 से 1.5 घंटा बस वो मोमेंटम दिया था, यही एक मोमेंटम था। एंड उसके बाद ये भी जो है पूरा अपने रेंज में आ गया। तो इसमें क्या कोई ट्रेड कर लेगा, क्या कोई ट्रेड कर लेगा। हमने एक कॉल साइड में ही देखो, यहाँ पे मैं दोनों बार आई थिंक कॉल साइड ही गया था। हाँ, देख सकते हो दो ट्रेड लिए, दोनों ट्रेड में कॉल साइड ही था कि यार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। एंड हालांकि ऊपर थोड़ा बहुत गया, बट यार उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर नीचे भी गिरता तो हो सके तो मैं दूसरा ट्रेड लेता, बट पूरा साइडवेज हो गया, तो क्या अपना मतलब खामा खामे लॉसेस देना, है ना। जितना छोटा हो सके उतना लॉसेस लेके निकल जाओ भाई, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब तो पैसा कमा लेंगे। अभी आप ये सब बिल्कुल, मैं देखो सोशल मीडिया पे तो यार ये पैसा वैसा, देखो आप अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा देखोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे। अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना काम करो, यूट्यूब पे देखो, थोड़ा बहुत सीखो, उससे अपने चार्ट पे आप देखो, चार्ट पे आप देखोगे समझोगे। ये सब चार्ट क्या है, आपको सिखाई तो रहे, आप इनको देखोगे समझोगे तो खुद ही स्ट्रेटजी आप बना लोगे ना। एंड अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, जब तक आप वो चीजें नहीं फॉलो करोगे तो नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो अगर सीखने को मिला तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय।